गुड मॉर्निंग ऑल। हाँ गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सो गाइस, जो कल टास्क दिए थे वो कंप्लीट हो गए। यस सर। किस किस के कंप्लीट नहीं हुए? अमन, सर रवनीश, तनिष, प्रांशु। सर कंप्लीट हो गया है, बट उसमें डाटा भी नहीं मतलब इंजेक्ट किया गया है। हाँ, डाटा ठीक है, नहीं हुआ है, बट जो मैंने कल आपको टास्क दिए थे कि आपको राउटर लगाने हैं, राउटर लगा लिए? यस सर, वो हाँ हो गया सर, सर, तभी लग। वो लगा लिया मैंने भी। सर राउट्स लग गए हैं, लेकिन वो जो डेटा यूआई से आना था वो वहां से नहीं आया। उन लोगों ने जो आईडी पर टेस्ट लिख दिया है वहां पे, लेकिन कौन डाला? हाँ, बस अभी डेटा नहीं लाना है, बस हमें कंपोनेंट्स क्रिएट करने पे। सो एज यस आई यस, सी, इतना कंप्लीट है। ओके, तो पूनम ने शेयर कर दिया है, तनिष ने शेयर कर दिया है, अमन ने अपना गिटहब गिटहब की रेपो शेयर किया, अंकित ने शेयर किया। प्रांशु, आपकी कहाँ है? सर मैं कल भोपाल लैपटॉप घर पे था। एंड रवनीश, सर मैं कर रहा था बट वो हो ही नहीं रहा, वो इरर दे रहा है। बाकी मेरा कंप्लीट हो गया सर, मैं अभी थोड़ी देर से कर दूंगा। ओके प्रांशु, ओके सर मैं आज कर लूँगा। मेरा सर कल भोपाल में था, लैपटॉप घर पे रखा हुआ था। बच्चे आ गाइस, जाइए। फाइन। ओके, सो अभी कंप्लीट किसका है? वो लिंक वाला पूनम, आपका कंप्लीट है क्या? यस सर। ओके, सो आई एम गोइंग टू योर रेपो एंड चेंज योर कोड। ओके, यहाँ पे आपके दो क्लोन है, माय ऐप क्लोन और माय ऐप। तो माय ऐप क्लोन ओके, पब्लिक क्या? असर्ट, राउटर प्रैक्टिस, कॉन्टैक्ट और चेस, होम नेटवर्क। ओके, गिव मी अ मोमेंट, चेकिंग योर कोड।
ओके ओके जी मेट्रो सुंदरमा पूनम जीमेल क्लोन के अंदर माय ऐप क्लोन में जाना है। यस सर। ओके फाइन तो हैव स्टार्टेड मैसेज इनबॉक्स स्टेट ओके आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन।
पूनम यही ऐप है आपका? ओके यस सर। तो अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। जैसे आपने इनबॉक्स के अंदर, ओके इनबॉक्स के अंदर आपने क्या कर रखा है, ये सारे मेल्स दिखा रहे हो आप, जो कि क्या है हार्ड कोडेड है, अभी सिर्फ लिखे हुए हैं। बट जब आप स्टेट पे क्लिक करते हो सो ये जो ऊपर का पार्ट है सारा हट जाता है। ओके सो आपको आज ये करना है कि ये जितना पर्टिकुलर सेक्शन है ये ऐसा कैसा रहेगा, सिर्फ हमारा ये जो ब्लॉक है 1 2 3, ये जो हार्ड कोडेड कैस्टम्स है यहाँ से आपको चेंज करना है। पहले नहीं था ऐसा, पहले पूरा सब कुछ सामने दिख रहा था। वो जो बीच वाला जो पूरा मेल कंपोनेंट है, मैंने इनबॉक्स में वो राउट के थ्रू वो करा दिया है। लेट्स चेक योर कोड। ये आपका हेडर है, ये लेफ्ट फुटर है, ओके ये पूरा है आपका ना। देन आपने स्टेट का कोड कहाँ लिखा है? कंपोनेंट्स के अंदर ये आपके कंपोनेंट्स है, ये स्टेट डॉट जेएसएक्स, स्टेट मैसेज इनबॉक्स डॉट जेएसएक्स, स्टार्ट मैसेज, बट आई कांट फाइंड स्टार्ट मैसेज। लक्ष्मी जी पूनम, इंडेक्स का क्या डिफाइंड है यहाँ पे? इनबॉक्स की कोई राउट डिफाइंड नहीं है, नो सर, इनबॉक्स में कुछ नहीं है। ओके अगर मैं स्लैश मेल लिखता हूँ सो जैसे क्या होता है, ओके सो अगर मैं इनबॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा मेल जो वाला सेक्शन, मेल वाला सेक्शन लोड मेल वाला होगा। कंपोनेंट वो शो हो रहा है। तो ये आपका मेल वाला कंपोनेंट है, ओके यस सर। सो ये जो आपका है प्राइमरी सोशल प्रमोशंस, ओके यही सेम आपको यहाँ पे लोड करना है जब स्टेट पे जाते हो, ठीक है ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं पर्टिकुलर इस पे जाऊँ तो ये मेरा मैसेज डिफॉल्ट है डिव, तो ये यहाँ से हट गया। ओके तो ये सेक्शन को मुझे लेना है, ये मेरा चेक बॉक्स है, बाय बाय अपना। ये गया। ये गया ओके सेम, बस एक बचा है। अब हमें इस पे ही इटरेशन एवरी टाइम परफॉर्म करना है, ओके सो ओके फुटर पार्ट आपका ऐसे ही रहेगा जैसा अभी है। यस ओके सो पूनम, फुटर पाथ का एक और कंपोनेंट यस बनाओ और उसे इंपोर्ट करो, ओके और ये जो आप नेमिंग दे रहे हो ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन अच्छे से फॉलो करो ठीक है।
यस सर। एंड गुड वर्क, नाइस। प्लस जो आपको कोड ऐसा लग रहा है कि ये रिपीटेडली यूज हो रहा है, उसे एक कंपोनेंट में करो और उसे कॉल करो। ओके ओके फाइन, गुड वर्क पूनम। एंड और किसने शेयर किया मुझसे? अंकित, अंकित है अभी क्लास में? नो सर। तनिष, अवनीश, प्रांशु, तीनों में से किसका कंप्लीट है अभी? हाँ, प्रांशु ने तो, प्रांशु और अवनीश ने तो अभी शेयर मेरा नहीं किया है। कंप्लीट है, अमन का कंप्लीट है। मेरा ओके और तनिष का। नाइस। सर कंप्लीट मेरा भी है, लेकिन अभी गिटहब पे पुश ही नहीं हुआ सर, एरर दे रहा है पुश करते टाइम पे ओके कमांड तो से। नो इशू, सूर्य से कांटेक्ट करो, सूर्य रिजॉल्व कर देगा आपकी एरर। जीमेल क्लोन सेम। ओके वन थिंग, डेट आप जो नेम रख रहे हो अपने ऐप का, जैसे पूनम ने रखा है जीमेल क्लोन, ओके सो, और अमन ने भी सेम ही रखा है जीमेल क्लोन, सो आपको क्या करना है, जो आप रेपो का नेम लिख रहे हो जीमेल क्लोन के आगे एक और आपको टेक्स्ट ऐड करना है आपका नेम। ओके सो जैसे जीमेल क्लोन पूनम, जीमेल क्लोन अमन, या अमन जीमेल क्लोन पूनम जीमेल, या फिर अपने आपके नेम का फर्स्ट लेटर आप यूज कर सकते हो। ओके तो उससे होगा ये कि जब मैं आपका कोड एक्सट्रैक्ट करूंगा तो मुझे इजी हो जाएगा कि मैं फाइंड कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर किस स्टूडेंट का क्या कोड है, एंड अगर उसमें कुछ मुझे ऐसा दिखता है जो सुधर सकता है या इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपके इंटरव्यू पे इफेक्ट करेगा, सो मैं उसे रिजॉल्व कराऊंगा। ओके गॉट इट? ओके सर, लोन करते आता है सभी को? ओके यस सर, यस सर। अमन आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो रिएक्ट का, सॉरी नोट का? सर ध्यान नहीं है, चेक करना पड़ेगा। सर मैं भी यहाँ पे ओके नोड मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है, अंतिम इंस्टॉल शायद चलाने से अंतिम स्टार्ट हो जाए सर। सर, 20.11।
पहली लाइन चेक हो गई। डेटा इज शेयर इन नोड्स से। ओके सो सेम आपके लिए अमन, आपको भी ये जो टेक्स्ट है ये इससे सेम रहना है, सेम रहने देना। ये जो कंटेंट है इससे चेंज करना है आपको। ओके ये 1 2 3 में है जो, हाँ, ये जो प्राइमरी सोशल प्रमोशन है इसके जो ऊपर का है ये सब सेम रहेगा, सिर्फ हमें कंटेंट इसके नीचे का चेंज करना है। सो लेट्स चेक योर कोड कंपोनेंट्स। और सेंट ऑल स्लोज के अंदर दो है कंपोनेंट। ओके फाइन। सो आज पूनम अमन आप लोगों के कंप्लीट है, तो इस पे आपको वर्क करना है। आप सूर्या सर की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। एंड कल मैंने आपको और टास्क दिए थे, किस किस ने कंप्लीट करे हैं। यस सर, ऑथेंटिकेशन और टू क्या होता है वॉट टू? सर, जैसे हम इंस्टाग्राम में अगर हम पहली बार लॉग इन करने जाते हैं तो उसमें मतलब गूगल मतलब ऑप्शन आता है कि एज अ गूगल ज्वाइन करना चाहते हैं या एज अ फेसबुक। तो अगर हम परमिशन दे देते हैं गूगल की, तो वो जो सारी डिटेल होती है अब हमारी पर्सनल, तो वो इंस्टाग्राम को दे देता है विदाउट पासवर्ड शेयर किए बिना, तो वो उसमें ऑथेंटिकेशन कर सकता है। ग्रेट, नाइस। अमन, नवदीश, तनिष, प्रांशु, नाउ इट्स योर टर्न। क्या होता है प्रांशु वॉट? चलो सर मैंने नहीं पढ़ा है सर कल तो। वाई प्रांशु, एनी वैलिड रीजन? सर मैं क्या था, कल शादी में भोपाल चला गया था तो। ओके नो इश्यू, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं कोई टास्क दूं और आप कंप्लीट नहीं करोगे तो ग्रुप पे या पर्सनल पे मुझे मैसेज करोगे ओके रीजन सर, के साथ। ओके अदरवाइज ओके सर, इट अफेक्ट्स योर नॉलेज एंड स्टडी। ओके फाइन, गुड वर्क पूनम। अमन, रवनीश, तनिष, व्हाट्स योर स्टेटस? OAuth स्टैंड्स फॉर ओपन ऑथराइजेशन। ये मिली हेल्प करता है हमें ऑथराइज करने के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी मेरी वेबसाइट है तो नहीं आ रही बात। आ रही आ रही, तनिष कंटिन्यू। तो मैं अगर चाहूँ तो OAuth की मदद से मैं यूज़र को लॉगिन करवा सकता हूँ बिना उसका आईडी पासवर्ड लिए किसी दूसरी वेबसाइट्स की मदद से, जैसे ट्विटर, आपका फेसबुक, गूगल, ऐसे। ओके ग्रेट। रवनीश अमन, सेम जैसे अभी पूनम ने बताया वही पढ़ा था मैंने भी। तो अगर किसी भी जैसे फेसबुक हो गया या फिर
ट्विटर हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, तो उसमें हम बिना उसके, बिना आईडी पासवर्ड के अपने जो गूगल अकाउंट होता है उसमें से यूज़र के बिना वो परमिशन, वो उसके हम उसमें लॉगिन करवा सकते हैं, यह होता है। ओके फाइन। सो एक्चुअली गाइस होता यह है कि जब पहले विदाउट वॉच जो हमें नहीं दिखा नहीं आया था टेक्नोलॉजीज के अंदर, तो क्या होता था कि अगर आप कोई भी वेबसाइट्स क्रिएट करते थे, तब आपको अपना खुद का फॉर्म बनाना पड़ता था वहां पे। ओके सो जब वो ऑथ हमें मिला, सो हम क्या कर सकते हैं उसकी हेल्प से, सो कंपनीज ने क्या किया, खुद का लॉग इन फॉर्म बनाने के अलावा उन्हें पता था कि 100 पीपल्स में से 95 पीपल्स के पास जीमेल होगा। ओके सो उन्होंने क्या किया, वो ऑथ को एज अ लॉग इन पेज यूज किया। लॉग इन पेज इन द सेंस, जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हो, एक्स वाई जेड, कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जो आपको जीमेल से लॉग इन कराती है, कुछ होती है फेसबुक से लॉग इन कराती है, जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो न्यू, तो आपको वहां पे तीन चार ऑप्शन मिलते हैं, लॉग इन विथ जीमेल, लॉग इन विथ फेसबुक, ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। यस सर, यस ओके तो यस इससे होता सर, क्या है, उससे होता क्या है, जब भी आप उस बटन पे क्लिक करते हो, फिर उसके बाद आप अगर मोबाइल से कर रहे हो, ओके सपोज अगर आप मोबाइल की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, सो होता ये है कि जैसे आप उस पर क्लिक करते हो, तो आपको आपके मोबाइल के अंदर जितनी मेल आईडी है उनकी लिस्ट आ जाती है, और फिर बोलता है वो कि आप किसी पर्टिकुलर मेल आईडी से आप लॉग इन कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास दो मेल अकाउंट है आपके फोन के अंदर, तो दोनों मेल अकाउंट की लिस्ट आ जाएगी, और फिर वहां पे आपको शो होगा कि आप पर्टिकुलर किसी भी मेल आईडी से लॉग इन कर सकते हो। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपको एक टोकन जनरेट करके देता है, प्लस उसके साथ आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इन्फॉर्मेशन वो फॉर्म के अंदर या वेबसाइट के अंदर स्टोर हो जाती है, और वही आपके क्रेडेंशियल आते हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट के ऊपर लॉग इन करते हो, और जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करते हो, ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाता है। ओके सो इससे क्या होता है कि हम पर्टिकुलर वेबसाइट को परमिशन देते हैं कि ये हमारा जीमेल है, आप इसके बिहाफ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन गेट कर लीजिए। सो कंपनीज क्या करती है, जीमेल के बिहाफ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गैट करती है, उसे फिल कर लेती है अपार्ट फ्रॉम एनी फॉर्म। ठीक है, इससे क्या होता है, यूजर इंटरेक्शन इजी होता है। अगर कंपनीज ऐसा करे कि आपको एक बड़ा सा फॉर्म दे साइन अप की जगह पे, कि आप अपना नेम डालो, फिर आप अपना सरनेम डालो, एड्रेस डालो, नंबर डालो, एंड सो ऑन, सो ये क्या होगी, आपकी लेंथी प्रोसेस होगी। तो कंपनीज ने क्या स्टार्ट किया कि वो जीमेल से लॉग इन करना अपना स्टार्ट कर दिया, ताकि यूजर को सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना रहे और वो अपने जीमेल अकाउंट से डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे एक्सेस कर सकता है, और जैसे ही वो एक्सेस करेगा तो वहां पे एक परमिशन आती है, रीड एंड राइट। ओके अगर वो आपके मेल को एक्सेस करेगा तो रीड एंड राइट के, अदरवाइज आप डायरेक्ट उस वेबसाइट के अंदर जा सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये जो यूजर है, यूजर के सिर्फ दो ही स्टेप्स रहेंगे, फर्स्ट उसे बटन क्लिक करनी है लॉग इन विद जीमेल, एंड सेकंड उसे अकाउंट सिलेक्ट करना है, दैट्स फाइन, वो वेबसाइट आपकी विजिट कर सकता है, और आपके पास इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सारी आ जाएगी। ओके सो ये ज्यादा इजी वे रहा, तो दैट्स वाई ओमनी ऑथ अभी मार्केट में यूज हो रहा है। सो क्लियर है ओमनी ऑथ हम क्यों यूज करते हैं। ओके फाइन, एंड कल मैंने आपको गूगल क्लाउड कंसोल पे एक अकाउंट बनाया था, बना लिया सभी ने? सर बना लिया, उसका वो क्लाइंट आईडी और वो नहीं मिल पाई उसमें। ओके ओके फाइन रबनीश, पूनम आपका हो गया।